का दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल पर। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा, RSM SSP ग्राम सेवक भर्ती का द्वारा से रिजल्ट जारी करने को लेकर कल बोर्ड के चेयरमैन हरिप्रसाद शर्मा को नोटिस भी दिया गया है दोस्तों। और सभी छात्रों ने मांग की है कि जल्दी से जल्दी द्वारा से ग्राम विकास अधिकारी का रिजल्ट आए। तो दोस्तों कट ऑफ की तैयारी में बोर्ड जुट गया है, मैं आपको पूरी अपडेट इस वीडियो बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। साथ में आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ग्राम सेवक भर्ती की आपको लेटेस्ट न्यूज़ इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ग्राम सेवक भर्ती के रिजल्ट को लेकर। ये देख सकते हैं दोस्तों, उपेन यादव और हरिप्रसाद शर्मा, कल शाम को उनको नोटिस दिया गया जिसमें उन्होंने कहा है जो ग्राम सेवक भर्ती का आपने रिजल्ट जारी किया है 50% के आधार पर, उसको यहाँ पर रद्द करके द्वारा से संशोधित रिजल्ट जारी किया जाए जिसमें कि सभी छात्रों की कट ऑफ के हिसाब से उनको चुना जाए। जैसा कि दोस्तों अन्य भर्तियों में होता आया है कि कट ऑफ के हिसाब से ही छात्रों को लिया जाता है, लेकिन कल जो दोस्तों आपका जो ग्राम सेवक का रिजल्ट आया था उसको लेकर उन्होंने मांग की है कि रिजल्ट को द्वारा से जारी किया जाए कट ऑफ के आधार पर, ना कि दोस्तों 50% के आधार पर। क्योंकि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था दोस्तों ग्राम सेवक भर्ती का, उसमें बिल्कुल भी जिक्र नहीं था कि 50% वालों को ही लिया जाएगा। ये बोर्ड की तरफ से ही किया गया बदलाव है जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, क्योंकि सबकी कट ऑफ बराबर रख दी गई है। इससे क्या हुआ कि जो निम्न कैटेगरी के छात्र हैं उनको मौका नहीं मिल पाया है, ना ही एक्स सर्विस मैन को इसका कोई फ़ायदा हुआ है, ना ही विडो को इसका कोई फ़ायदा हुआ है दोस्तों, और ना ही विकलांग छात्रों को इसका कोई फ़ायदा हुआ है। इसीलिए इसका द्वारा से रिजल्ट जारी करने को लेकर, कट ऑफ बनाने को लेकर मैं आपको बता दूँ, बोर्ड है तैयारियों में जुट गया है और जल्द ही आपका ग्राम सेवक भर्ती का द्वारा से संशोधित रिजल्ट, जी हाँ दोस्तों, जिसे आप रिवाइड रिजल्ट भी बोल सकते हैं, जारी किया जाएगा। और अपडेट ये कि मई में ही रिजल्ट जारी हो जाएगा, यानी कि जो 1,75,000 छात्र हैं इनमें से छात्र कम होंगे, क्योंकि कट ऑफ से हिसाब से रिजल्ट आएगा तो उसी के हिसाब से जनरल कैटेगरी में भी उतने ही छात्र लिए जाएंगे, ओबीसी में भी उतने, जितने कि आपके 15 गुना के हिसाब से चुने जाते हैं। अभी क्या हुआ है दोस्तों कि अभी जनरल कैटेगरी के 1 लाख से ज़्यादा छात्र हैं और टोटल 1,75,000 हैं। तो ऐसे में जो निम्न कैटेगरी छात्र, उन्होंने अपनी कट ऑफ के हिसाब से तैयारी की थी, पेपर का लेवल भी हार्ड आया था, इसीलिए वो इसमें सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं। अब ग्राम सेवक भर्ती का द्वारा से रिजल्ट आएगा तो 36% से लेकर 50% तक कट ऑफ जाएगी, 15 से 20 गुना छात्र पास होने की अपडेट आ रही है दोस्तों। और इसको लेकर 11 मई को हाई कोर्ट में सुनवाई भी है, तो कोर्ट तो आदेश देगा ही, उससे पहले ही बोर्ड है वो तैयारी में जुट गया है, क्योंकि बिना प्री के रिजल्ट के मेंस का पेपर का आयोजन होना काफ़ी मुश्किल है। छात्र इसका लगातार विरोध कर रहे हैं और हो सकता है दोस्तों आगे चल के ये बहुत बड़ा आंदोलन हो जाए, क्योंकि उपेन यादव भी अब छात्रों का साथ दे रहे हैं, सभी MLA सांसदों ने भी इसका जो है पत्र लिखा है अशोक गहलोत जी को। तो इसीलिए दोस्तों आपका द्वारा से ग्राम सेवक भर्ती का रिजल्ट जारी किया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जैसे ही आपका संशोधित रिजल्ट आता है उससे संबंधित लेटेस्ट अपडेट आती है तो आपको मैं अपडेट कर देता हूँ चैनल के माध्यम से। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।